हेलो नमस्कार। कक्षा 12 के सिलेबस में हमारा रे ऑप्टिक्स चल रहा है किरण प्रकाश जी की, जिसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने क्लास चल रही है डे 155 155। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मानव नेत्र, किसका भाग यही है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाशिक उपकरण। प्रकाशिक उपकरण प्रकाशिक उपकरण वे होते हैं जो प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और प्रकाश के सरल रेखीय संचरण की व्याख्या करते हैं, के आधार पर किसी सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, उनको कहते हैं प्रकाशिक उपकरण। प्रकाशिक उपकरण क्या होते हैं? वे उपकरण जो अपवर्तन, परावर्तन और सरलरेखीय संचरण के आधार पर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उनको कहते हैं प्रकाशिक उपकरण। अब उसमें देखो, सबसे पहला जो उपकरण है वो है मानव नेत्र। मानव नेत्र, ह्यूमन आई जो है वो सबसे बड़ा प्रकाशिक उपकरण है। उसके बाद मानव के द्वारा बनाए गए जो उपकरण है, प्रकाशिक उपकरण, वो बहुत है। उनके बारे में भी हम इसी चैप्टर में सिलेबस में है हमारे पढ़ेंगे, जिनमें सरल सूक्ष्मदर्शी, सेक सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी, न्यूटोनियन, कैसिग्रेनियन दूरदर्शी, परावर्तक, अपवर्तन के आधार पर बनी हुई दूरदर्शी, परावर्तन के आधार पर बनी हुई दूरदर्शी, ये सारे जो पार्ट हैं वो सारे प्रकाशिक उपकरण ही हैं। बाकी जितने भी हम देखते कैमरा है वो किसके सिद्धांत पे, वो भी लेंसों के आधार पर, तो लेंसों के अनुसार ही कार्य करते हैं वो, तो लेंस किसके अपवर्तन के आधार पर काम करते हैं। तो प्रकाशिक उपकरण जो ये प्रकाशिक घटनाएं हैं उनके सिद्धांतों पर काम करते हैं। वैसे सबसे पहले लेते हैं मानव नेत्र। इसकी संरचना और इसकी जो डिटेल है वो मैंने पहले लिख दी है ताकि अपना समय थोड़ा बच जाए। इसकी जो मानव नेत्र की जो संरचना है, मानव नेत्र एक प्रकाशिक उपकरण है, उसकी संरचना आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। इसके बारे में जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो 10वीं क्लास में भी है, ये टॉपिक 12वीं में भी है, दोनों में सेम है, एज इट इज है, 10th में भी 12th में भी। 12th में मोस्टली पूछा नहीं जाता है, ये कोई छोटी मोटी कोई बात पूछ ली जाए शॉर्ट क्वेश्चन में तो बात अलग है। बाकी इससे संबंधित कुछ आगे बातें पढ़ेंगे हम, डिजीज ऑफ आईज, आंख से संबंधित बीमारियां जो है उनके बारे में, उनसे क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बाकी 10th में और 12th दोनों में ये टॉपिक सेम है, इसलिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब बाकी उसके बाद बात आती है कंपटीशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इनमें से सीधे के सीधे पूछ लिए जाते हैं, सीधे सीधे, तो इसलिए मैंने एक थ्योरी लिख दी है ताकि इनमें काम काम की बातें हमें पता है कि ऐसे ये छोटे मोटे एग्जाम रहते हैं पटवारी के, कॉन्स्टेबल वगैरह इनके रहते हैं, इनमें तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आंख की खिड़की किसे कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं आंख की खिड़की। तो इसमें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सारी बातें क्या है। तो ये नेत्र की जो संरचना है वो बढ़ाई गई है, सामने बढ़ाई गई है। नेत्र के जो मुख्य भाग हैं वो हमने लिख दिए सारे, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कॉर्निया। देखो ये संरचना है, इसके सारे अलग अलग भाग हैं, सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोरोना, ये कोरोना का कॉर्निया, कोरोना भी इतना ज्यादा हो गया है सब जगह कोरोना ही सुनने को मिल रहा है। कॉर्निया इसको कहते हैं, स्वच्छ पटल भी कहते हैं इसको, स्वच्छ पटल हिंदी में। कॉर्निया जो है वो ये जो भाग है इसका, जहां से आंख में प्रवेश होता है, जो प्रकाश है प्रवेश होता है उसका, आंख का वो भाग वो कॉर्निया कहलाता है। ये है कॉर्निया, स्वच्छ पटल। प्रकाश में, प्रकाश जो है वो आंख के जिस भाग से अंदर प्रवेश करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विंडो ऑफ आई। खिड़की से क्या होती है? लाइट अंदर आती है। वैसे ही ये भी खिड़की है जिससे लाइट हमारी आंख के अंदर जाती है, इसलिए इसको विंडो ऑफ आई, नेत्र की खिड़की कहते हैं। तो कंपटीशन सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे, ये कि खिड़की किसे कहते हैं? आंख की खिड़की, तो कॉर्निया को कहते हैं। दूसरी बात आती है फिर परिनारिका। परिनारिका कहते हैं आयरिस, तो आयरिस कहते हैं इसको इंग्लिश में, आयरिस, आयरिस हिंदी में भी इसको आयरिस लिखते हैं बुक्स में। ये वाला जो भाग होता है इसके पीछे, ये मांसपेशियों का बना रहता है, ये वाला भाग दोनों तरफ रहता है। इसके बीच में क्या होता है? पर्दा, ये होता है लेंस होता है इसके बीच में। तो परिनारिका क्या है? एक वृत्ताकार पर्दा है जिसके केंद्र में छिद्र होता है, इसके बीच में क्या होता है? ये खाली भाग रहता है, छिद्र होता है। इस छिद्र भाग को कहते हैं पुतली, प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल, पुतली कहते हैं, पुतली।
जो क्या होती है, ये मांसपेशियां और रंगीन वर्णक जो है उनसे बनी होती है, मांसपेशियों से बनी होती है, और इसी से हमारी आंख का रंग डिसाइड होता है। कुछ लोगों की आंख जो होती है हल्की व्हाइट होती है, उसकी थोड़ी भूरी आंखें होती हैं, तो वो किसके कारण होती है, वो इनमें वर्णक होते हैं, उन कलर्स होते हैं, उनके आधार पे आंख का कलर होता है। तो अब इसका कार्य क्या है, आयरिस का कार्य क्या है, आंख का जो रंग का निर्धारण है वो इसके द्वारा होता है। इसके अलावा आयरिस का जो कार्य है वो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना है। आंख में जो लाइट जाती है उसको कंट्रोल करते हैं आयरस, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है ये आयरस का, जिसमें जैसे हम बाहर बैठे हैं धूप में बैठे हैं बहुत देर तक, और फिर हम क्या करते हैं, हम कमरे में जाते हैं अगर मान लो, तो हमें क्या लगता है, सब कुछ अंधेरा होता है, सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है, वहां बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। तो जितनी लाइट आंख में जानी चाहिए थी उतनी लाइट वहां उस आंख में नहीं पहुंच रही है। तो क्या होता है, ये इसको कंट्रोल करता है आंख में जाना, जितना प्रकाश अंदर जाना चाहिए उतना ही जाता है, बाकी नहीं जा पाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश को नियंत्रित करना है। इसके आधार पे पुतली का आकार जो छोटा बड़ा हो जाता है, अगर प्रकाश तेज आते हैं तो पुतली का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, थोड़ा प्रकाश उसके अंदर प्रवेश करता है। फिर बात आती है लेंस की, ये जो भाग है अंदर ये लेंस है, ये लेंस है, लेंस जो होता है वो लचीले पारदर्शी तंतुओं से बना होता है, पुतली के पीछे होता है, पुतली के पीछे होता है ये लेंस, ये इसकी स्थिति है, मांसपेशियों के मध्य स्थित होता है, दोनों इसके मांसपेशियां रहती हैं, इनको कहते हैं सिलेरी मसल्स, इनको पक्षमापी पेशियां कहते हैं, इन पक्षमापी पेशियों के बीच में होता है, ठीक है, तथा उनसे नियंत्रित होता है। यानी इस लेंस को कौन नियंत्रित करती है, ये जो पक्षमापी पेशियां है ये नियंत्रित करती है लेंस को, लेंस नियंत्रण का कार्य करती है। नियंत्रण का कार्य कैसे करते हैं, ये बस जो लेंस है और क्या करता है, वस्तु के जो प्रतिबिंब है उसको रेटिना पर फोकसित करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं, पहले से देखेंगे फिर बात करेंगे कैसे इनका कंट्रोलिंग कैसे होती है, ये पक्षमापी पेशियां क्या काम करती है, मुख्यतः ये फोकस दूरी जो होती है उसको नियंत्रित करती है, और उसी से ही जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट बनता है। एकमात्र लेंस ऐसा है जो जो प्राकृतिक है, कृत्रिम हमारे द्वारा बनाए गए नहीं है, ये प्राकृतिक लेंस है जिसमें क्या होता है, अपने आप ही एफ का मान चेंज हो जाता है। नॉर्मली हमने अगर अगर कोई लेंस बना दिया जैसे ऐसे है वो लेंस, तो वो ऐसे ही रहेगा, उसकी जो फोकस दूरी है इसकी त्रिज्या की आधी होती है, तो जितनी त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी उसकी फोकस दूरी वो उतनी रहेगी। अगर किसी की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है 40 सेंटीमीटर है तो वो उतनी रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन मानव नेत्र में जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो सकती है, उसका कंट्रोलिंग सिस्टम रहता है इनके पास, इनको कहते हैं पक्षमापी पेशियां, ये यहाँ लिखा हुआ है पक्षमापी पेशियां। इनका कार्य क्या होता है, लिखा हुआ ये लेंस के नाभ्यंतर को नियंत्रित करती है। कैसे नियंत्रित करती है, अगर मान लो ये देखो ये लेंस इतना है, ये इधर ये पेशियां है, ये क्या करती है, सिकुड़ती और फैलती है, आने वाले प्रकाश के आधार पे सिकुड़ती और फैलती है। इसीलिए जो मैं भी एग्जांपल आपको बता रहा था कि हम बाहर धूप में बैठे हैं और अचानक तुरंत कमरे में जाते हैं तो वहां रोशनी है फिर भी हमें एक बार अंधेरा दिखाई देता है, और धीरे 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 जल्दी प्रोसेस हो जाती है, 2-4-5 सेकंड में हमें वापिस पूरा स्पष्ट दिखने लग जाता है। एक बार एंटर करते हैं तब तो क्या होता है, बिल्कुल ही अंधेरा सा जाता, कुछ ही नहीं दिखाई देता। क्यों, क्योंकि जब हम बाहर बैठे थे प्रकाश ज्यादा जा रहा था हमारी आंख में, उसके अनुसार पक्षमापी पेशियों के कारण लेंस की फोकस दूरी जो है वो निश्चित हो गई थी और हम सब वस्तुओं को इजी वे में देख पा रहे थे। जैसे हम अंदर आते हैं तो प्रकाश की मात्रा चेंज हो जाती है और इसको वापिस सिकुड़ने फैलने में टाइम लगता है थोड़ा सा। जितने समय तक ये इसको सिकुड़कर फैलकर वापिस सेट होता है, लेंस वापिस सेट होता है, इसकी फोकस दूरी उस हिसाब से हो जाए कि सब स्पष्ट दिखाई दे, उतनी देर तक हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है। अब जब ये लेंस वापिस सिकुड़ फैलकर वापिस सेट हो जाता है उसके बाद हमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, लेंस जो है वो लेंस के नाभ्यंतर को, फोकस दूरी को, फोकल लेंथ को पक्षमापी पेशियां क्या करती है, नियंत्रित करती है। जब मांसपेशियां सिकुड़ती है तो नाभ्यंतर बढ़ जाता है और जब फैलती है तो नाभ्यंतर घट जाता है। कैसे होता है ये प्रोसेस, जैसे सामान्य ये है लेंस,
और ये है पक्षमापी पेशियां दोनों ओर। जब ये सिकुड़ती है, सिकुड़ती है तो ये इकट्ठी होती है, इधर पीछे की ओर खिंचाव होता है तो ये लेंस के ऊपर खिंचाव उत्पन्न होता है, दाब लगता है, दोनों तरफ खींची जाती है, खींची जाती है तो ये लेंस हो गया ऐसा। जब ये ऐसा था तो इसके लिए अज्यूम कर लें कि वृत्त जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, और जब ऐसा हो गया तो इसके लिए जो वृत्त बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, खिंचाव से उसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ जाती है, त्रिज्या बढ़ जाती है तो त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसलिए जब ये महत्वपूर्ण बात है सारी, इसलिए जब जब मांसपेशी सिकुड़ती है तो उसका नाभ्यंतर बढ़ता है, और मांसपेशी जब फैलती है तो क्या होगी, फैलेगी तो और आगे तक जाएंगे, इधर से और आगे तक आ जाएंगे, तो ये और थोड़ा सा गोलाकार पार्ट बढ़ जाता है, इसका गोलाकार पार्ट बढ़ जाता है तो इसका जो त्रिज्या है वो कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, तनाभ्यंतर यानी फोकस दूरी कम हो जाती है। फिर बात आती है रेटिना की। रेटिना क्या काम करता है, वस्तु के प्रतिबिंब बनाता है, पर्दे का काम करता है, पर्दे का काम करता है ये रेटिना, यहां है, यहां होता है रेटिना का भाग, इसके अंदर कुछ कोष बने रहते हैं, कोष बने रहते हैं, ये पर्दे का काम करता है, और यहां पर हमें प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब कोई भी वस्तु देखते हैं उसका प्रतिबिंब यहां बनता है। तो रेटिना मुख्यतः किसका काम करती है, पर्दे का काम करती है। इसमें क्या रहते हैं, कोष सेल्स रहते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को संकेतों में बदलते हैं, क्योंकि हमारी आंख में तो क्या वस्तु थोड़ी घुस जाती है, टीवी देख रहे हैं, टीवी थोड़ी घुस जाता है हमारी आंख में, टीवी से आने वाला प्रकाश हमारी आंख में पहुंचता है तो अंदर कौन सी ऊर्जा जा रही है, प्रकाश ऊर्जा जा रही है, बस प्रकाश ऊर्जा को ये रेटिना किसमें बदल देते हैं, वापिस संकेतों में, संवेगों में बदल देता है और फिर हमें दिखाई देता है। अब दिखाई कैसे देता है, उसके लिए ये देखो एक पूंछ नुमा भाग बना हुआ है, इसको दृक तंत्रिका कहते हैं, ऑप्टिक नर्वस कहते हैं इसको, ऑप्टिक नर्वस, ठीक है, दृक तंत्रिका कहते हैं। अब ये क्या करता है, दृक तंत्रिका कहां से आती है, ये रेटिना से आती है, तो रेटिना ने क्या किया है, संकेतों को प्रकाश ऊर्जा जो है उसको संकेतों में बदल दिया और इसके पास भेज देते हैं। ये क्या करते हैं, ये तंत्रिकाओं से बना रहता है, और ये तंत्रिकाएं जाती है किसमें, माइंड में, मस्तिष्क में जाती है, और बाकी सारा काम करता है मस्तिष्क। आंख को नहीं पता कि सामने टेलीविजन रखा है या फ्रिज रखे है, वहां से चलने वाली प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है, अंदर जाती है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना उस प्रतिबिंब को किधर भेजता है, इमेज को कहां भेजता है, यहां पक्षमाभी पेशियों के पास भेजते हैं, और ये इसको कहां भेजती है, ये दृक तंत्रिका के पास भेजती है, ठीक है, और दृक तंत्रिका जो है वो माइंड से जुड़ी रहती है, दिमाग से मस्तिष्क तक पहुंचती है, और मस्तिष्क पहचान के बताता है कि ये क्या है, ठीक है, और इसीलिए ये चीजें शुरू से लेकर जो चीजें हम देखते हैं संसार में वो चीजें हम समझते हैं और हमारे माइंड में स्टोर होती रहती है, जैसे ही वो पिक्चर हमारे सामने आती है वैसे हम पहचान जाते हैं कि इसको तो हम फ्रिज कहते हैं, इसको तो हम टीवी कहते हैं, इसको पेन कहते हैं, इसको बैग कहते हैं, वो सारी चीजें कहां से, कौन बताता है, आंख नहीं बताती, आंख केवल इमेज बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है, पहचानने का काम क्या होता है वो कौन करता है, दिमाग करता है, इसीलिए दिमाग भी सही रहना जरूरी है, दिमाग का भी स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आंख सही है, दिमाग पे चोट लग गई तो क्या कहते हैं, कोमा में चला गया पहचाने का, तो आंख तो काम कर ही रही है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए आंख और दिमाग कक्षा में भी इसलिए कहते हैं कि आंख और दिमाग दोनों खुले रहने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, आंख तो खुली रहती है, मजबूरी रहती है अपनी, और दिमाग अपना बंद रहता है, इसीलिए फिर सारी दिक्कत होती है। तो दिमाग और आंख दोनों खुली रखें तो फिर मानव नेत्र की संरचना भी पता चल जाएगी, बाद की संरचना भी सारी पता चल जाएगी। तो यहां से ये इसकी सारी बातें आ गई। अब हम इसमें एक बात और कर लेते हैं, वो इसकी वर्किंग, तो आप इन सारी बातों को नोट भी कर ले डायग्राम बना के, इसलिए ये लिख दिया गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में लिखते रहे बैठे। अब एक बात और है इसकी, वैसे तो इसमें आ गई है, वो है वर्किंग, इसकी वर्किंग कि कैसे कार्य करती है। तो ये सारा कार्य तो आ गया, हमने बताया कॉर्निया जो है वो क्या है, विंडो ऑफ आई है, आंख की खिड़की है, इसमें से लाइट एंटर करती है, तो ये इसका काम हो गया। इसका काम क्या है, इसमें लाइट एंटर करवाना है, ठीक है। उसके बाद
आयरिस का काम है क्या, जो मांसपेशियां हैं इनका जो काम है वो आने वाली लाइट को, आने वाले प्रकाश को कंट्रोल करना है, ये प्रकाश को कंट्रोल करते हैं। लेंस का काम क्या है, इसको यहाँ रेटिना तक भेजना है। रेटिना का काम क्या है, जो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश ऊर्जा जो है, एनर्जी आ रही है, उसको संकेतों में कन्वर्ट करना है। संकेत जो है वो उनको, फिर रेटिना काम क्या, उनको आगे कहां भेजना, दृक तंत्रिका के पास। दृक तंत्रिका इनको कहां ले जाती है, मांसपेशियों के द्वारा दिमाग में ले जाती है, और दिमाग इनको पहचान के बता देता है कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया भी है। तो इसी बात को अगर हम वर्किंग में लिखेंगे, अगर हमें ये कह दे भाई दसवीं क्लास में क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है टेंथ क्लास में, तो उसमें लिखा जाता है मानव नेत्र की संरचना बनाइए, मुख्य भाग लिखिए तथा कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। तो मुख्य भाग बताती है, कार्यविधि में ये बता देंगे कि कैसे प्रकाश जो है वो कॉर्निया के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है, जिसे पक्षमाभी पेशियों के द्वारा नियंत्रित, ये आयरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और फिर प्रकाश जो है वो कहां पर लेंस पर पहुंचता है, लेंस इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, रेटिना जो है वो संकेतों को, प्रकाशिक संकेतों को, जो प्रकाशिक ऊर्जा जो है उसको संकेतों के रूप में, जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है उस संकेत के रूप में परिवर्तित करके रेटिना के पास भेजती है, ये पक्षमा इनके पास दृक तंत्रिका के पास भेजती है, और दृक तंत्रिका का कनेक्शन जो है वो आगे दिमाग से रहते हैं। इस तरह संकेत जो है वो दिमाग तक पहुंचते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, और मस्तिष्क उनके संकेतों की व्याख्या करके हमें बताता है कि वस्तु कौन सी है, क्या है। तो ये सारा थ्योरेटिकल बातें हैं, नॉर्मली आप इसको लिखिए और इसको जनरली थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज कर लें तो पता चल जाएगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग मुख्य भाग आपको बताओ तो हम इसकी व्याख्या इसी वे में कर सकते हैं। बाकी आगे की बातें, कुछ नेत्र से संबंधित कुछ बातें हो रहे हैं, फिर कुछ डिजीज है इनकी बीमारियां, उनकी चर्चा हम बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे।